दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। बिना बस निकला ये अगला स्टेशन भोपाल का आएगा, तो आपको डायरेक्ट चलकर भोपाल में मिलते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के स्टेशन भी कितने जो मैंने दिखाए थे इससे पहले जब मैं रामेश्वरम गया था, पटरियों को भी एकदम पुताई उताई कर रखी है, जो कि आप देख सकते हैं पटरियाँ भी बिल्कुल पुताई कर रखी है, एकदम साफ सुथरे बढ़िया स्टेशन है मध्य प्रदेश के। चलिए भोपाल मिलते हैं डायरेक्ट आपसे। अयोध्या का चॉकलेट आ रहा है। तो दोस्तों शाम की चाय चल रही इस टाइम। राइट में देख पा रहे हैं पहाड़। अभी भोपाल निकला है, भोपाल में आपको कवर नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो गया था, तो अभी टायर से आने वाले 5:30 बजे वो जरूर कवर किया जाएगा। तब तक आप शाम के मजे लीजिए। देखिए दोस्तों, देखिए पेड़ पहाड़ एक से एक लंबे लंबे चौड़े चौड़े। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं इटारसी, और इटारसी में देखिए हनुमान जी का कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, कितना बड़ा और कितना भव्य मंदिर। देखिए हनुमान जी खड़े हैं, ये लिखा है देखिए ओम हंग हनुमते नमः। देखिए दोस्तों इटारसी हम लोग एंटर कर रहे हैं, और वहां से WAP4 जा रहा है, विंध्यांचल एक्सप्रेस भोपाल इटारसी प्रयागराज शिवकी। अरे नंबर 111-8117। ये दोस्तों इटारसी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन घुस रही है। अपनी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगाई जा रही है इटारसी के, इटारसी जंक्शन पहुंच चुका है इटारसी मध्य प्रदेश। करीब 980 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने कवर कर लिया इस टाइम। इटारसी जो आता है भोपाल डिवीज़न में आता है, और यहां पे हमारा स्टॉपेज 10 मिनट का रहेगा, फिर हम निकल जाएंगे आगे के लिए नागपुर वारंगल, और सुबह 8:30 बजे हम पहुँच जाएंगे विजयवाड़ा। तो यहां पे फल वल का शॉप काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, पीछे चल के थोड़ा फल ले लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए फल का कितना बढ़िया शॉप है यहाँ पर। तो हमने कहा कि आम ले लेते हैं 1 किलो और संतरा ले लेते हैं, 120 रुपये किलो हमको मिल गया है संतरा और 80 रुपये किलो आम, इसको जाके खाया जाएगा, बहुत मीठा लग रहा है देख के। तो दोस्तों हमने ले लिया केला आम और संतरा, ये देखिए कल सुबह ट्रेन के खाने से बेटर है कि आप फल वल खाइए, हेल्दी रहिए, और जर्नी में #IndianRailway के साथ ऐसे बने रहिए। देखिए हम लोग जो है लेफ्ट हो गए, और सामने जो रोड देख, ये जो लाइन जा रही है
ये जा रही मुंबई लाइन, देख सकते हैं। और हम लोग हो गए इधर बैतूल, वारंगल, नागपुर के लिए, बल्लार शाह के लिए, विजयवाड़ा के लिए। हम सीधे चले जाएंगे तो मुंबई। देखिए कोई ट्रेन जो है बैकवर्ड आ रही है, और साथ ही में जो है देखिए एक खड़ा हुआ है, ये देखिए रैप 7 खड़ा हुआ है। ट्रेन का नाम नहीं पता चल रहा है, लेकिन उसको अभी सिग्नल नहीं दिया गया इटारसी में। प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा शायद। साढ़े 5 बज चुके हैं शाम के, अभी हम इटारसी से बस निकले हैं। अब आप डायरेक्ट आपको डे 2 में विजयवाड़ा सुबह मिलेंगे 8 बजे, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नागपुर, ये देखिए रात का 10 बज रहा है और पहुंच रहे हैं नागपुर जंक्शन में। और 7 वाली ट्रेन जो हमारी आ रही है वो आ रही है पुणे हावड़ा पुणे सुपर फास्ट, ट्रेन नंबर 12130। और हमारी ट्रेन जो है नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाई जा रही है दोस्तों, नागपुर जंक्शन के। भीड़ देखिए कितनी लोगों के भाई साहब यहाँ पे चढ़ने के लिए, रात के 10 बजे लेकिन लोग अभी भी चढ़ने चक्कर में हैं। पहुंच चुके हैं नागपुर, 10 बज रहे हैं, हम सोए नहीं, आपसे कहा था सुबह मिलेंगे, लेकिन आपको पता है ब्लॉगर की आदत, जब तक ब्लॉगिंग करेगा नहीं रात की नींद आएगी नहीं। हमने कहा यार नागपुर पहुंच गए तो ये भी दिखा दिए जाए। और अभी हमने ऑर्डर किया डोमिनोज पिज़्ज़ा, वो आने वाला है, बस उसको लेके उसके खा के फिर सोया जाएगा, फिर सुबह मिल जाएगा विजयवाड़ा में जाएंगे, देखते हैं कितनी देर में आता है। तो हमारा आ चुका है पिज़्ज़ा, गर्मा गर्म पिज़्ज़ा खाएगी गुड़िया, निकालो जरा 500 का नोट। देखो ट्रेन पे भी आ रहा था, पिज्जा चल रहा है। आपके घर हो गार्लिक ब्रेड? ठंडा है गर्म? हम लोगों ने पिज्जा पिज्जा खाओ किया कायदे से, मजा आके पिज्जा खा के एकदम चीज बस टाइप का पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और क्या था गार्लिक ब्रेड, मजा आ गया। अब खाएंगे भाई साहब, अब जस्ट सोएंगे, सुबह मिलेंगे आपसे डायरेक्ट, ठीक है? टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट बोलो अरुण, बोल दो। दोस्तों वी आर फाइनली एंटरिंग टू विजयवाड़ा, अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाई जा रही है। विजयवाड़ा इज इन आंध्र प्रदेश। वेलकम बैक टू माई चैनल सफर विद पॉल। हम पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा, करीब हमारी ट्रेन ने 1890 किलोमीटर जर्नी तय कर ली है और अभी भी हमको लग जाएंगे कम से कम मान चलिए 6 घंटे। और विजयवाड़ा में अपनी ट्रेन जो कम से कम रुकेगी यहाँ पे 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट बाद निकल जाएगी आगे के लिए। तो दोस्तों अगर मैं इसकी टोटल प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो विजयवाड़ा में कुल 10 प्लेटफॉर्म है। और थोड़ा हिस्ट्री भी जान लीजिए तो करीब इसका जो स्टैब्लिशमेंट था ये करीब हुआ था 1880 में, और 1980 में जाकर इसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था। और दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन आफ्टर हावड़ा, कानपुर और न्यू दिल्ली के बाद। तो करीब को मान चलिए यहाँ से 450-450 ट्रेनें डेली यहाँ से पास थ्रू होती हैं। तो चलिए अब चलते कुछ लिया जाता है, उसके बाद सीधा आपको डिपार्चर मिलता हूँ विजयवाड़ा के। तो दोस्तों अगर मैं आपके स्टॉल्स की बात करूँ तो देखिए ऐसे लाइन से काफ़ी स्टॉल्स हैं, ऐसे फल के आपको फ्रूट्स के मिल जाएंगे, ब्रेड ऑमलेट के मिल जाएंगे, समोसे के मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक बढ़िया चीज़ देखिए विजयवाड़ा में भी देखने को मिलता है कि आपको ट्रेन का कोच का पोजीशन भी यहाँ पे लिखा होता है। मतलब आपको मान लीजिए कोच आपका H1 है, इंजन के साइड है, H1 है, B1 है, H1 देखिए लिखा है इंजन के साइड से पूरा, किसी को दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों अपनी ट्रेन जो है विजयवाड़ा से निकलते हुए जैसे ही बताया था कि आपको देखिए कितने सारे फ्रूट्स के काउंटर बैक टू बैक पूरे प्लेटफॉर्म पर लगे हैं, देखिए सेब, केला, अंगूर ये सब मिल जाता है यहाँ पे। और अगर फूड स्टॉल की बात करूँ देखिए कमसम, मल्टीपर्पज़ स्टॉल, आरम, फूड ट्रैक, तो काफ़ी सारे फूड के ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, विजयवाड़ा जंक्शन से निकलते हुए यहाँ से हमारा लोकोमोटिव भी चेंज हो गया, इस तरफ से आए तो उधर ही वापस जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, पहुँच रहे हैं एल्लोर, एल्लोर पहुँच रहे हैं एल्लोर, और देखिए घर साउथ के फिर से आपको दिखा रहे हैं एक बार, बैक टू बैक हमारे वीडियो देखते रहिए और साउथ के घर ऐसे दिखाते रहेंगे आपको, देखिए कितने प्यारे प्यारे घर देखे बने, मौसम देखिए कितना मौसम है, धूप का नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों एल्लोर आने से पहले आपको बहुत सुंदर सी क्रॉसिंग दिखाने जा रहा हूँ मैं, सुबह सुबह का टाइम है, सुंदर क्रॉसिंग देखिए आप, कौन सी ट्रेन है भैया ये दिखा दो एक बार, देखा जाए दो कितनी तेज जा रही है, कुछ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों पावर पेट आ गया, देखिए पावर पेट, पावर पेट के बाद अगला स्टेशन रहेगा एल्लोर का, पावर पेट को हम स्किप कर जाएंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी यहाँ, ये हमारा हॉल्ट है नहीं यहाँ, ये हमारा डर है मैप से मैंने एकदम भट कर आते हुए निकलता चला जा रहा है, हारे मारते हुए। ये देखिए दोस्तों हम पहुँच चुके हैं एल्लोर में, ELUR, यहाँ पर रुकेगी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और सामने से विजयवाड़ा का एक W7 चला जा रहा है, ये ट्रेन है अभी भी आई है लग रहा है, यह शालीमार हैदराबाद 18045। रुकेगी भैया, रुकेगी रुकेगी बिल्कुल रुकेगी, क्योंकि ऑफिशियली हॉल्ट है यहाँ पे 2 मिनट का। तो हम पहुंच चुके हैं एल्लोर स्टेशन कोड EE, आंध्र प्रदेश में आता है, ऑफिशियली 2 मिनट का हॉल्ट अपनी ट्रेन का रहेगा यहाँ पे, और ये आता है साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर, अब विजयवाड़ा डिवीजन लगता है, यह दिन रुकेगी 2 मिनट रुकेगी, यहाँ से समोसा लिया जाएगा, सोचो लेते फिर निकलते हैं, डिपार्चर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। दोस्तों अपनी स्वर्ण जयंती देखिए, एल्लोर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर लेते हुए, ये देखिए निकल गया एल्लोर, और डबल डेकर आ रही है एल्लोर में एंटर कर रही है, जो विशाखापट्टनम से आ रही है डबल डेकर WAP-7 के साथ, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, ये देखिए डबल डेकर, अब पूरा दिखाया था जयपुर में उधर ट्रैवल किया था, लेकिन यहाँ पर डबल डेकर देख लो, नदी का पुल चल रहा है, तो देखिए दूर पे आपको ट्रेन दिख रही होगी, एक लाइन हो जा रही है इनकमिंग और इधर आउट गोइंग चल रही है, गोदावरी नदी, तो अभी जो पुल देख रहे हैं गोदावरी नदी पे जो बना हुआ है, ये तो रेल पुल है, सामने वाला जो है रोड पुल है, 4 किलोमीटर लंबा पुल है, आप समझ लीजिए 4 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि थर्ड लार्जेस्ट पुल माना जाता है इसको, ये कितना लंबा है 4 किलोमीटर लंबा, मतलब बहुत लंबा होता भैया, बिल्कुल राजा मुद्री शहर जो है वो देख सकते हैं, सारे मकान उधर, यहाँ पुल खत्म होगा वहाँ से राजा मुद्री शहर चालू हो जाएगा। तो अपनी ट्रेन करीब 1.5 से 2.25 घंटा लेट हो चुकी है और इस गोदावरी नदी पर रोक दिया गया है, तो लोग यही देख सकते हैं उतरे हैं, अपना वीडियोग्राफी फोटोग्राफी चल रही है, तो हमने हम भी उतर जाएं, जब ट्रेन चलेगी तो चढ़ जाया जाएगा, तो देख कितना बड़ा पुल है, मान लीजिए 4 किलोमीटर लंबा पुल है ये, देखिए दोस्तों ये जो घाट रहा है गोदावरी नदी का, लोग यहाँ बढ़िया नहा रहे हैं बढ़िया से,
ऊपर दिखाते हैं आपको। तो काफी बड़ी और लंबी चौड़ी नदी है, आप देख सकते हैं। घाट भी देखिए कितना बड़ा बनाया गया है। और यहाँ से अपना राजा मुद्री शहर भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए लिखा है आई लव राजा, ये रहा आई लव राजा। और शिवलिंग बना कितना बड़ा देखिए यहाँ पे। आंध्र प्रदेश चल रहा है दोस्तों इस टाइम। राजा मुद्री शहर का बहुत बड़ा चौक है ये, लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे, वीडियो बना रहे बढ़िया। सो फाइनली दोस्तों वी आर एंटरिंग टू राजा मुद्री, जो कि अपना ऑफिशियली थर्ड लास्ट हॉल्ट है। और ये हमारे सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। साफ सुथरा स्टेशन रहता है इधर का। मैंने आपको काफ़ी साउथ के दिखाए हैं, तमिलनाडु कर्नाटका, तो इस समय आंध्र प्रदेश के स्टेशन दिखा रहा हूँ। सेम सिचुएशन, ऑल क्लीन, ज़्यादा फोकस जो है क्लीनलीनेस पे ज़्यादा किया जाता है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म्स। पहुँच चुके हैं राजा मुद्री, जो कि अपने ट्रेन का ऑफिशियली थर्ड लास्ट हॉल्ट है। करीब 1900 किलोमीटर हमारी ट्रेन चल चुकी है और यहाँ पे कुल 2 मिनट रुकेगी। ये स्टेशन भी साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर आता है और डिवीजन इसका बोल दिया, जोन बोल लिया जाए तो वो है अपना विजयवाड़ा ही। तो अपनी गोदावरी नदी क्रॉस करके सीधे ये गोदावरी के स्टेशन आता है, फिर ये आ जाता है। दोस्तों यहाँ का जो स्टेशन कोड है ये RJY है। अब इसके बाद सीधे ट्रेन रुकेगी समालकोट और समालकोट के बाद सीधा हम पहुँच जाएंगे विजयवाड़ा। राजा मुद्री से हम लोग फाइनली निकलते हुए दोस्तों देखिए राजा मुद्री से डिपार्चर। तो दोस्तों हम लोग बस राजा मुद्री से निकले थे और देखिए एक क्रॉसिंग आ रही है सुंदर सी, ये विशाखापट्टनम की तरफ से आ रही है WAP-7 के साथ। देखते हैं ट्रेन कौन सा है, ये दिख जाएगा क्योंकि ट्रेन ज़्यादा स्पीड में नहीं है। ये अपनी हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस, हटिया से यशवंतपुर एक्सप्रेस जा रही है। देखिए दोस्तों अपने सेकेंड लास्ट डेस्टिनेशन समालकोट पहुँच चुके हैं। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी लगाई जा रही है बहुत तगड़े तरीके से। इसके बाद सीधा विशाखापट्टनम। अपने सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन समालकोट पहुंच चुके हैं। स्टेशन कोड SLO, डिवीजन अभी भी विजयवाड़ा का ही है। कुछ 2 मिनट बाद हम फाइनल अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों अपने स्वर्ण जयंती अपने सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन से डिपार्चर लेते हुए समालकोट, समालकोट जंक्शन निकल गया। दोस्तों करीब 100 किलोमीटर की हमारी जर्नी और बची है, 1950 किलोमीटर चल चुके हैं और मान चलिए 1.5 घंटा से 2 घंटा भी और लगेगा तो अपने फाइनल डेस्टिनेशन विशाखापट्टनम पहुंच जाएंगे। दोपहर का टाइम हो रहा है, हमारी ट्रेन कम से कम 2 बजे 2 घंटे लेट चल रही है, 4 बजे तक पहुँचेंगे। इस समय 2 ऑलरेडी बज चुके हैं। आप पूरी वीडियो देखते रहिए और व्यू का मजा लेते रहिए ऐसे ही। देखे कितने तगड़े पहाड़ दिख रहे हैं एकदम, ये देखिए पेड़, केले के पेड़, नारियल और दूर देखिए लग रहा है बारिश हो रही पहाड़ों में, एकदम बादल छाया हुआ है। सिर्फ हमारी वीडियो में देखने को मिलेगा आपको ऐसा नजारा और कहीं नहीं। इतना खूबसूरत नजारा है भाई साहब, देखो दोस्तों देखिए विशाखापट्टनम आने से पहले का भाई साहब सीन कितना गजब का है। मौसम बिल्कुल एकदम ठंडा, कोई गर्मी हैया नहीं और सामने कोई फैक्ट्री दिख रही है हमको, देखिए बड़े लेवल पे बनी है लेकिन पता नहीं कौन सी फैक्ट्री है, लेकिन देख के बहुत बढ़िया लग रहा है।
देखिए आपको दिख रहा होगा थोड़ी दूर तक छाई है, फिर आगे धूप है। ये देखिए दोस्तों, विशाखापट्टनम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं, उससे पहले एक सुंदर सी क्रॉसिंग देखिए और नज़ारे देखिए, चारों तरफ पहाड़ और बीच से WAP4 चला जा रहा है, तिरुवनंतपुरम शालीमार, शालीमार एक्सप्रेस। क्या व्यू है भाई साहब, देखिए ट्रेन निकली चली जा रही है, रोक दिया लगा दोनों ट्रेनों को। दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा आप देखिए भाई साहब, मनमोहक से भी ऊपर जो बोलती है वो है, बीच में घर बने हैं और ये देखिए ट्रेन जा रही है पहाड़ों की तरफ, क्या सुंदर नज़ारा भाई साहब, देख के भाई साहब मज़ा आ गया, नेक्स्ट लेवल का। और हवा पूछे एसी फेल, ऐसी हवा है। विशाखापट्टनम ऑलमोस्ट एंटर कर रहे हैं हम लोग, देखिए चारों तरफ पहाड़ों से ढका हुआ है और बारिश का माहौल पूरा बना हुआ है, देखिए ऊपर तो दोस्तों वी हैव फाइनली रीच्ड विशाखापट्टनम, देख सकते हैं टोटल हमारी स्टूडेंट जानती ने 2200 किलोमीटर जर्नी तय करके विशाखापट्टनम पहुंचा दिया है, देख सकते हैं विशाखापट्टनम जंक्शन, विशाखापट्टनम वाइजैक, द सिटी ऑफ डेस्टिनी, वी हैव रीच नाउ वाइजैक, पहुंच चुके हैं दोस्तों वाइजैक, हमारी एंड टू एंड जर्नी यहां पे एंड होती है। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम, 2200 किलोमीटर की जर्नी तय करके समझ लीजिए 35 घंटा हम ट्रेन में थे, और बताइएगा पूरी वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा तगड़ी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट जर्नी अपडेट के साथ, पूरी वीडियो ऐसे देखते रहिए हमारी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सफर विद पॉल।